नमस्कार। पिथौरागढ़ से आज के मुख्य समाचार। पिथौरागढ़ में पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार पुलिस द्वारा जुआ व सट्टा चलाने वालों के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान लगातार जारी है। अभियान के तहत पुलिस एसओजी की संयुक्त टीम ने आईपीएल क्रिकेट में सट्टा लगाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रभारी निरीक्षक मोहनचंद पांडे के नेतृत्व में पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर रोडवेज स्टेशन के निकट बीते दिवस एक हेयर ड्रेसर की दुकान में चेकिंग के दौरान आरोपी मुख्तार अली निवासी कृष्णापुरी मूल निवासी खेड़ा मस्जिद के निकट उधम सिंह नगर को सार्वजनिक स्थल पर आईपीएल में सट्टा खिलवाते हुए गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से 8,100 रुपये नगद, सट्टा लगाने की पर्ची और मोबाइल फोन बरामद किया गया। आरोपी के खिलाफ धारा 13 जुआ अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। चेकिंग टीम में उप निरीक्षक संजय सिंह, कांस्टेबल महेंद्र सिंह, सत्येंद्र सुयाल व एसओजी कर्मी शामिल थे। इधर होटल ढाबे में अवैध रूप से शराब पिलाने पर मुखबिर की सूचना पर टनकपुर रोड स्थित एक ढाबे में चेकिंग के दौरान पुलिस द्वारा आरोपी हरीश सिंह निवासी कृष्णापुरी को शराब परोसने व पिलाने पर गिरफ्तार किया गया। साथ ही आरोपी के कब्जे से अवैध अंग्रेजी शराब भी बरामद की गई। पिथौरागढ़ नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न वार्डों का नगर पालिका व पुलिस की संयुक्त टीम का निरीक्षण जारी है, जिसके तहत आज ईओ दीपक गोस्वामी व सीओ आप्स सुमित पांडे की अगुवाई में लिंठड़ा वार्ड में निरीक्षण किया गया, जहां दो वाहन स्वामी द्वारा खुले में गंदगी बहाने का मामला प्रकाश में आया। ईओ गोस्वामी ने बताया कि खुले में गंदगी बहाने को लेकर शिकायत भी प्राप्त हुई थी। टीम द्वारा वाहन स्वामी का 3,000 रुपये का चालान किया गया तथा एक सप्ताह के भीतर व्यवस्था में सुधार करने की हिदायत दी गई। ईओ गोस्वामी ने बताया कि नगर को साफ और स्वच्छ रखने के लिए पालिका का अभियान लगातार जारी है। पिथौरागढ़ नगर में जानवर छोड़ने वालों की अब खैर नहीं। जानवरों को लावारिस छोड़ने वाले पशुपालकों की पहचान के लिए नगर पालिका अधिशासी अधिकारी दीपक गोस्वामी की अगुवाई में अभियान की शुरुआत हो गई, जिसके तहत नगर की सड़कों पर घूम रहे जानवरों की पहचान की जा रही है और जानवरों को छोड़ने वाले पशु मालिक की जानकारी जुटाकर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। अभियान में नगर पालिका व पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। बीते दिवस शुरू हुए अभियान के तहत जानवर पर लगे टैग से पशु स्वामी की पहचान कर उसे बुलाया गया तो स्वामी ने जानवर पहचानने से मना कर दिया। ईओ गोस्वामी द्वारा मामले को लेकर पुलिस से संपर्क सूचना पर पुलिस क्षेत्राधिकारी आप्स सुमित पांडे स्थल पर पहुंचे, लेकिन फिर भी पशु मालिक द्वारा पशु अपना होने से इनकार किया गया। इसके बाद पशुपालन विभाग के रिकॉर्ड व टैग के मिलान के बारे में उसे बताया गया। आखिरकार पशु स्वामी द्वारा पशु को अपना मान लिया गया। पालिका द्वारा पशुपालक का 1,000 रुपये का चालान किया गया। इधर नगर पालिका शासी अधिकारी दीपक गोस्वामी ने बताया कि लावारिस छोड़े जा रहे जानवरों की पहचान को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, जो लगातार जारी है, जिसके तहत नगर की सड़कों में घूम रहे लावारिस जानवरों पर लगे टैग व पशुपालन विभाग के रिकॉर्ड से मिलान कर पशुपालकों की पहचान की जा रही है। उन्होंने बताया कि आज शुक्रवार को कुछ जानवरों को बड़ावे गौ सेवा केंद्र भी भेजा जा रहा है। बीते दिवस तेज हवा के चलते पंडा बाईपास में एक पेड़ गिरने से यातायात अवरुद्ध हो गया, जिसकी सूचना मिलने पर अग्निशमन अधिकारी किशोर उपाध्याय की अगुवाई में फायर कर्मियों ने स्थल पर पहुंचकर वुडन कटर की सहायता से पेड़ काटकर यातायात सुचारू करवाया। फायर टीम में चंदन सिंह, दीपक रावल, नरेश जोशी, पुष्कर सिंह शामिल थे। अभिकल्पना एक युवा सोच द्वारा अम्बेडकर जयंती पर ड्राइंग व रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में अव्वल रहे प्रतिभागियों को अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में संस्थाध्यक्ष संजीव पाल, जनरल सेक्रेटरी हेमंत बंसल, कोषाध्यक्ष सीता शरण, समाज सेवी तपन रावत, जुगल किशोर पांडे, प्रधानाचार्य नंद किशोर जोशी, आचार्य अंकित पांडे व राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रम अध्यक्ष हेमंत गुरु महाराज द्वारा 8 दर्जन से अधिक बच्चों को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान व्यापारी नेता व सामाजिक कार्यकर्ता तपन रावत द्वारा भी सहयोग किया गया। कार्यक्रम के दौरान नशा मुक्ति को लेकर सुरताल केंद्र द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना भी की गई। पिथौरागढ़ के डीडीहाट विकासखंड के कनाली छीना में सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं के कार्यों की समीक्षा क्षेत्रीय सांसद अजय टमटा द्वारा की गई। बैठक में पीएम ग्रामीण सड़क योजना, जल जीवन
मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना BADP के माध्यम से ब्लॉक स्तर पर चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को सांसद द्वारा दिए गए। साथ ही विकास कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए आम जनता तक योजनाओं को पहुँचाने के लिए प्रचार प्रसार करने के निर्देश भी दिए गए। इस अवसर पर स्थानीय विधायक बिशन सिंह चुफाल, ब्लॉक प्रमुख सुनीता कन्याल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज YouTube चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।